माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं वार्षिक परीक्षाओं के रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जारी करेगा। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल छात्र अपने रिजल्ट्स mprizults.nic.in, mpbsc.nic.in, mpbsc.mponline.gov.in पर जाकर चेक कर पाएंगे। एमपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इस बार करीब 18 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च तक हुई थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रिजल्ट जारी करेंगे। तो आज जो तमाम छात्र हैं उनके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ है, क्योंकि लगभग 2 घंटे का समय शेष रह गया जब रिजल्ट ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करने जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे परीक्षा के परिणाम जारी हो जाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन रिजल्ट्स को लेकर बच्चों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि सभी बच्चे निश्चित रहें, आपने मेहनत की है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि यदि आप असफल भी होते हैं किसी भी कारण की वजह से, यदि इस परीक्षा को आप पास नहीं कर पाते हैं, यदि उम्मीद के अनुसार आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। जो सफल होंगे उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर असफल भी हुए तो चिंता मत करना, आप तैयारी के बाद फिर इसी साल परीक्षा दे पाओगे, आपका साल भी खराब नहीं होगा। सफलता और असफलता में समान भाव रखना, अगर सफलता नहीं भी मिली तो इस अगली बार और अच्छा प्रयास करना। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, बधाइयां शुभकामनाएं, लेकिन असफल होने की भी चिंता नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, फिर आगे की सफलता की और मेहनत करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।